हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कंटेस्ट के बारे में जिसका नाम है टीसीएस कोडवीटा। तो ये जो कंटेस्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस कंटेस्ट के थ्रू बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ड्रीम है कि आप टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरह किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये जो कंटेस्ट है ये आपका वो ड्रीम सही कर सकती है। इस कंटेस्ट के थ्रू अगर जो भी टॉप कोडर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल किया जाता है, उनको डायरेक्टली जॉब दिया जाता है टीसीएस में, तो आप डायरेक्टली टीसीएस में जॉब मिल सकता है आपको इसके थ्रू। उसके अलावा जो विनर्स होते हैं, जो सारे राउंड्स क्लियर करके अगर आप विनिंग राउंड तक पहुंच पाते हो, अगर आप विनर्स होते हो तो विनर को या फिर फर्स्ट रनर अप को, सेकंड रनर अप को बहुत ही बड़ी प्राइज मनी भी दी जाती है। आपको आप अप टू 8 लाख 7 लाख 8 लाख जो है आपको प्राइज मनी मिल सकती है। तो ये सब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा अगर आपकी कोडिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर आप बिगनर लेवल पे हो, आप जस्ट अपनी कोडिंग स्किल्स ट्राई करना चाहते हो, आप सिंपली देखना चाहते हो कि ये कॉन्टेस्ट एक्चुअली है क्या, किस तरह से क्या होता है, और सिंपली अगर आपने पार्टिसिपेट किया दैट इज ऑल्सो वेरी मच फाइन। आपको क्वेश्चन पता चलेंगे, आपको इसका पूरा प्रोसीजर पता चलेगा और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी टीसीएस की तरफ से आपको मिल रहा है। तो जैसे आपको पता है टीसीएस की तरफ से अगर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने इतने बड़े कोडिंग कंटेस्ट में पार्ट लिया था तो वो भी इनफ वैल्यूएबल होगा आपके लिए। फाइन, तो ये जो है कंटेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई गेस आप सबको पार्ट लेना चाहिए अगर आप कोडिंग में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, आप अगर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो तो भी आप पार्ट ले सकते हो, एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा। तो हम इस वीडियो में डिटेल में देख लेंगे कि ये एक्चुअली कोडवीटा है क्या, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, आप किस तरह से पार्ट ले सकते हो, पार्ट लेने के क्राइटेरियाज क्या क्या है, पूरा जो प्रोसीजर है, इसके कितने राउंड्स होते हैं, किस तरह से होते हैं, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में देख लेंगे। फाइन, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट हो, अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के ही एजुकेशन या जॉब रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोडवीटा एक्चुअली है क्या। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टीसीएस की तरफ से एक ग्लोबल कोडिंग कॉन्टेक्स्ट है ये कोडवीटा। ठीक है, और ये कुछ नई चीज नहीं है कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर कुछ हो रहा हो तो हमें डाउट होता है कि चलो ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, हमने पार्ट तो ले लिया बट सच में वो लोग एट द एंड जॉब ऑफर करते हैं या नहीं, प्राइज मनी मिलता है या नहीं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या नहीं। तो इसमें कुछ भी डाउट करने जैसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि टाटा की तरफ से है ये, तो वैसे भी डाउट का कोई सवाल नहीं आता, राइट। बट उसके अलावा भी दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये जो कंटेस्ट है ये 2012 से चलता आ रहा है। ठीक है, 2012 से हर साल जो है टीसीएस ये कोडवीटा अरेंज करता है। ये 2020 है, मतलब ऑलरेडी 8 ऐसे कंटेस्ट हो चुके हैं, हर साल ये कंटेस्ट होता है। ये देख सकते हो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अभी का। तो ये जो होगा ये कोडवीटा सीजन 9 होगा, मतलब लास्ट 8 साल से कंटिन्यूस ये चीज चलती आ रही है। कंटिन्यूस बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके हेल्प से डायरेक्टली जॉब मिली हुई है। सो कुछ डाउट करने जैसा नहीं है, आप इसमें पार्ट ले सकते हो एंड यू कैन गेट मेनी बेनिफिट्स। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट कोडवीटा, ग्लोबल कोडिंग कॉन्टेक्स्ट है। तो बेसिकली अगर आपका कोडिंग अच्छा है तो आप इसमें, आपको इसमें जरूर पार्ट लेना चाहिए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है। या फिर जैसे मैंने बोला, अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कोडवीटा के जो क्वेश्चंस है ये रिसर्च भी बोलता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड कोडिंग चैलेंज होता है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और कुछ होना हो, आपकी माइंडस्टॉर्मिंग इसमें बहुत होता है। फाइन, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा तो पार्ट लेना चाहिए। देखिए, इन लोगों ने बोला है कि 2012 से स्टार्ट हुआ है ये, जैसे मैंने बताया कि 9th टाइम ये होगा। ऑलरेडी लास्ट 8 ईयर से होता आ रहा है। 261,000 प्लस रजिस्ट्रेशन मिले हैं। सो आप सोच सकते हो कि ये कितना पॉपुलर है, कितने लोग इसके पीछे ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं। फाइन, एंड ये ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब स्टूडेंट्स आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पर्पस क्या है टीसीएस का ये कोडवीटा के पीछे? तो मेनली पर्पस बस इतना ही है कि वो लोग स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां पे वो लोग अपना प्रोग्रामिंग टैलेंट या फिर प्रोग्रामिंग टैलेंट दिखा पाए और वो रिकॉग्नाइजेशन पा पाए जो वो डिजर्व करते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है तो वो लोग यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को या टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। तो उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है टीसीएस कोडवीटा के थ्रू।
फिर स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेस्ट क्या होगा, तो देखिए बेसिकली इसमें 3 राउंड्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कोडविटा का जो ये टीसीएस कैंपस कम्यून का ये वेबसाइट है, ये दोनों लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। तो ये जो है कैंपस कम्यून का उनका वेबसाइट है टीसीएस का, यहाँ आप देख सकते हो कि कोडविटा सीजन 9 जो है उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है मार्च 17 से और रजिस्ट्रेशन चलेगा जुलाई 5 तक। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, जून पूरा पड़ा है, फिर जुलाई 5 तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उतने के अंदर। और वो बस रजिस्ट्रेशन डेट है, एक बार आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया, फिर देखिए कंटेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड हो जाएगा आपका प्री क्वालिफायर जोनल राउंड, सेकेंड होगा क्वालिफायर राउंड और थर्ड होगा ग्रैंड फिनाले। तो ये पहले के जो 2 राउंड है वो तो ऑनलाइन ही होते हैं, आपको आपके घर पे बैठ के स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डेट्स भी दे दिए हैं कि पहला जो राउंड है प्री क्वालिफायर जोनल राउंड वो होगा 10th जुलाई से लेके 25th जुलाई तक, ये 15 दिन का इसमें टाइम दिया है। क्वालिफायर राउंड जो है उसके लिए 1 दिन का टाइम दिया है 7th नवंबर, और जो ग्रैंड फिनाले है उसके लिए टाइम दिया है 17 फरवरी 2021 का। ठीक है, ये दोनों जो है पहले के 2 राउंड जो है वो ऑनलाइन होंगे और थर्ड राउंड जो है वो एट द वेन्यू, मतलब काइंड ऑफ ये वेन्यू क्या होता है कि टीसीएस के कोई भी कैंपस में वो लोग आपको बुला सकते हैं। तो वो तो बहुत बात की बात है, वो फरवरी में नेक्स्ट ईयर होने वाला है, बट एटलीस्ट ये दोनों राउंड्स में तो आपको घर पे बैठ के ही करना है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, सबका डेट भी अभी से दे दिया है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रह पाए। तो ये बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं, ये जो ग्रैंड फिनाले राउंड होता है उसमें से फिर विनर्स को वो लोग डायरेक्टली बाहर निकालते हैं। पहले के जो टॉप 3 विनर्स होते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है, इधर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कैश प्राइज भी काइंड ऑफ कुछ इस तरह का रेंज होता है कि जो फर्स्ट विनर होता है, फर्स्ट रैंकर होता है, उसको करीबन हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से 7.5 लाख रुपए जितने मिलते हैं। जो सेकंड रैंकर होता है उसको कुछ 3.5 लाख के आसपास मिलेगा, और जो थर्ड रैंकर होता है उसको कुछ 2.5 लाख के आसपास मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट ये लोग एज ए प्राइज मनी देते हैं। फाइन, तो देखिए ये 3 राउंड होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों राउंड में वही होता है, पहले के 2 राउंड ऑनलाइन होते हैं, थर्ड राउंड में सी ग्रैंड फिनाले इज टू बी हेल्ड एट वन ऑफ द टीसीएसएल ऑफिसेज इन इंडिया। तो वो कहाँ पे क्या लोकेशन है वो आपको ऑब्वियसली उसके पहले वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, बट थर्ड राउंड के लिए अगर आप थर्ड राउंड तक सिलेक्ट होते हो तो थर्ड राउंड के लिए आपको उनके किसी भी एक टीसीएस के ऑफिस में जाके आपको उस कंटेस्ट में पार्ट लेना है, वो फिनाले जो राउंड है वो वहां पे बैठ के आपको देना होगा। और ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी यहाँ पे यूएसडी में दिया है प्राइज मनी, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, एक्साइटिंग अमाउंट है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट स्कूल्स और एट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लोकेटेड अक्रॉस जियोग्राफीज अदर देन इंडिया आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द कंटेस्ट। तो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं आइदर इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर, क्योंकि जैसे इन लोगों ने बोला है इसको ग्लोबल कंटेस्ट ही बोला है इन्होंने, मतलब इंडिया के पार्टिसिपेंट्स भी होंगे और आउट ऑफ इंडिया से भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें। तो सिंपली अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप इसमें पार्ट ले सकते हो, आप अगर अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप पार्ट ले सकते हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से या फिर साइंस बैकग्राउंड से करते हो, चाहे वो कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, डजंट मैटर, आप इसमें पार्ट ले सकते हो। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बस इतना ही है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगी। इस लिंक में कैंपस कम्यून में देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, ये रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसमें देखिए ये लोग टीसीएस नेक्स्ट स्टेप करके इनका अगेन एक पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू अगर उस पोर्टल में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो उस पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पे अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल और पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा ही उसके रिस्पेक्टिव, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना ईमेल डाल के इधर रजिस्टर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में अगर आप अकाउंट बना देते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उस तरह से क्या होगा कि आप कॉन्टेक्ट में रह सकते हो, टीसीएस का कोई भी अगर उनकी अगर ओपनिंग आती है, जॉब ओपनिंग्स आती है, तो वो भी वहां पे आपको पता चलेगा। इस तरह का अगर कोई भी नए कॉन्टेक्ट आते हैं, कॉम्पिटिशन वो लोग अरेंज करते हैं, ये सबका आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। फाइन, सो ये 2 तरह से रजिस्टर आप कर सकते हो कोडविटा के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का तो यही प्रोसीजर है, उसके अलावा देखिए जनरल गाइडलाइंस में इन लोगों ने लैंग्वेज के बारे में भी दे दिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो
तो देखिए, अगर आपको सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी, इतने इन लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, देखिए प्रोग्रामिंग इसमें ऐसा होता है कि कुछ 6 से 8 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और लगभग 6-7 घंटे जितना आपको टाइम दिया होता है। ऑन एन एवरेज आपको एक प्रोग्राम के लिए या एक कोड के लिए आपको लगभग 1 घंटे जितना टाइम मिलता है, तो टाइम आपको इनफ मिलेगा। और ये सारे लैंग्वेजेस का भी कोई बैरियर नहीं है, बिकॉज आपको इतने सारे लैंग्वेजेस वो लोग अवेलेबल करते हैं। इसमें आपको आपके पीसी पे कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है वो भी उनके सिस्टम में अवेलेबल होता है, तो आपको लॉग इन करके उनके सिस्टम में ही पूरा कोड करना है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आता है, आप कंफर्टेबल हो, तो आपको जरूर पार्ट लेना चाहिए। और अगर इनके साथ नहीं भी हो, आपको थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल सी तो बेसिक लैंग्वेज है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत सी आता है तो आप अभी टाइम है, आप उसको और अच्छे से करिए। और थोड़े टाइम में, लाइक अभी टाइम है, अभी तो बस रजिस्ट्रेशन भी अभी 1-2 महीने के लिए चलेगा, तो अभी टाइम है आपके पास, आप थोड़ा ब्रश अप करके आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। फाइन, सो बस यही सारी बेसिक नॉलेज है इस कोडविटा के बारे में। तो जैसे आप इधर देख रहे हो, सी, सी शार्प भी अवेलेबल है, तो आपको जरूर पार्ट लेना चाहिए। और कुछ नहीं तो आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। अगर अभी आप जस्ट बिगिनर है तो आप पार्ट तो ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर जब होगा तब आप अच्छे से पार्ट ले पाओगे, बिकॉज आपको तब तक आइडिया आ जाएगा। और कोडविटा में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ईयर पार्ट लिया है तो आपको दूसरे ईयर पार्ट नहीं लेने देंगे, ये लोग ऐसा कुछ भी बैरियर भी नहीं है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग में इंटरेस्टेड है, वो लोग को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो सब पार्ट ले पाए। एंड एटलीस्ट और कुछ होना हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।